Hey, what is up people? तो गाइस आज सभी का स्वागत करते हैं अनदर वीडियो पे, जहाँ पे आज हम सरवाइव करने वाले पूरा का 100 डेज, वो भी जॉम्बी एपोकलिप्स। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, हम सरवाइव करने वाले पैरासाइट जॉम्बी एपोकलिप्स में, जो है सबसे हार्डेस्ट जॉम्बी एपोकलिप्स, जिसमें जॉम्बी का हॉर्डर स्पॉन होगा हर रात। जो ब्लडबोर्न में जैसे स्पॉन होते हैं, वैसा हर रात स्पॉन होगा जॉम्बीज की जॉम्बीज। और एक चीज, 50 डेज के बाद पैरासाइट इवॉल्विंग होना शुरू हो जाएगा, जो जॉम्बीज को मार के अपने की तरह पैरासाइट में कन्वर्ट करेगा, एंड धीरे धीरे करके पैरासाइट अपने पूरा वर्ल्ड को बाहर कब्जा करना शुरू कर देगा। लेकिन हमको इसको मारना है, सर्वाइव करना है पूरा का पूरा 100 डेज। इसमें से नॉर्मल पैरासाइट से इसमें इंडिया ड्रैगन पैरासाइट से, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें हम लोग कैसे 100 डेज सर्वाइव करने वाले इस खतरनाक पैरासाइट जॉम्बी एपोकलिप्स में, वो मुझे भी डर लग रहा है। मैं इसमें कैसे 100 डेज सर्वाइव करूंगा, लेकिन इसमें हमको बनते इसमें सर्वाइव कर पाना। तो मेनली यहाँ पे जॉम्बीज होंगे, पैरासाइट्स होंगे, दोनों एक दूसरे को मारेंगे पिटेंगे, उसके साथ बीच में हम भी बहुत ही ज़्यादा मारेंगे, लेकिन हम इसमें सर्वाइव करने पर 100 डेज। तो गाइस वीडियो पूरा देखिए बाकी जानने के लिए। यार ये पूरा सिटी तो डिजर्टेड हो चुका है, पूरा एरिया में कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हमको क्या क्या मिला यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ मिला, एक पिस्तौल मिला मेरे को यहाँ पे, तो देखने में तो बढ़िया लग रहा है पिस्तौल। ओके, तो हमको यहाँ पे एक पिस्तौल मिला है। ओके, इसको उठा लिया मैं। एक शॉर्ट है जिसमें शार्पनेस 2 अनब्रेकिंग ए वार्म शॉर्ट। ओके, एंड यहाँ पे स्टोन पिकैक्स है, कुछ चेस्ट है, चेस्ट ये गुडीज। ओके, इसमें हमको कुछ पैकेजेस मिला है। ओके, तो ये जॉम्बी एपोकलिप्स जिसमें पैरासाइट, जिसमें जॉम्बीज, सब कुछ एक साथ आने वाला है, भाई इसमें तो मेरा हालत खराब होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी रात होने से पहले हमको जगह, सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई सब गन का क्या साउंड आ रहा है यार, इससे मैं तोड़ नहीं सकता। रुको 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 भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को। ओके, सबसे पहले एक जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे जॉम्बीज वगैरह तो कम दिखे मेरे को। ओके, ओ स्पॉनर्स। ओके, ये आप स्पॉनर में तोड़ सकते हो इसको, प्लीज टूट जाना, जॉम्बी मत स्पॉन होना। नहीं 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 नहीं, ओच ये क्या कर ड्रॉप किया इसने, अरे सब कुछ ड्रॉप कर दिया इसने। ओके, मेटल मिल गया मेरे को। ओके, तो यहाँ पे हमको ओके, तो ए भाई जॉम्बी, नहीं 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 नहीं। ओके, तो एक एक करके मैं जॉम्बी को मारने की कोशिश करता हूँ। एक मर एंड बूम। ओके, तो इसके भी मैंने हमार दिया जॉम्बी को, इसको स्पॉनर को तोड़ता हूँ फटाफट करके। नहीं 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 नहीं, जॉम्बी मर। ओके, ये भी जॉम्बी खत्म, इसको। यार ये बहुत ज़्यादा हार्ड है यार इसको मारना। मेरे पास 6 गोलियाँ, 6 गोलियाँ भी खत्म हो गया मेरे पास। कितने गोली है, गोली नहीं बचा और मेरे पास ज़्यादा। ये बूढ़े आंटी, ये ले एंड ऑन ए शॉट। ओके, इसको मारा मैंने। ओके, आजा 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 आजा, किधर जा रहे तू, किधर जा रहे, किधर जा रहे, किधर जा रहे भाई, क्या ही साउंड आ रहे हैं गोली के। चलो, यहाँ से मेरे को अच्छा खासा आयरन तो मिलना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। यार बहुत अच्छा आयरन मिल रहा है, मैं पहले शील्ड पहन लेता हूँ। ओके, कुछ नहीं है ना यहाँ इस जगह पे, मेरे को ढूंढना पड़ेगा गाइस कहीं से कुछ ना आ जाए। यहाँ पे लूट तेरे को, वो लूट। अरे भाई भाई, हर जगह पे जॉम्बी ही जॉम्बी है। इस घर के अंदर कुछ है क्या, घर के अंदर कुछ नहीं है। अरे इधर बहुत सारे स्पॉनर्स है यार इस जगह पे इनके। भाई ये टूट जा, पहले तो ये टूट जाए ना एक बार, मैं लूट पाऊंगा। ओके चलो, ये टूटा एंड ओके, डायमंड का हॉर्स आर्मर। ओके, ये भाई 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 निकलो यहाँ से, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। यार बहुत दर्द है यार यहाँ पे। ओके भाई, सिटी पूरा का पूरा सिटी खत्म हो चुका है। मेन हमको देखना पड़ेगा जहाँ पे सेफ एरिया, और रात होने से पहले हमको सेफ एरिया ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जॉम्बी का पेट में चले जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। ओके, जॉम्बी का पेट में जाना मैं नहीं चाहता। तो व्हाट इज दिस, ये है रिकॉल पोशन, टेलीपोर्ट योर स्पॉन पॉइंट। ओके, ये क्या है, सन ग्लासेस इम्यून टू द ब्लाइंडनेस। ओके, जिससे मैं ब्लाइंडनेस से इम्यून हो जाएगा और मेरे को थोड़ा सा आर्मर मिलेगा। चलो मैं सन्निक, ओ माय गॉड, मेरा हुडी हट गया है। बट कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, ठीक है, मेरा हुडी भी बच गया। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है जो मैं यहाँ से ले जाता हूँ, ये मुझे बाद में काम आ सकता है इस खतरनाक पैरासाइट जॉम्बी एपोकलिप्स में। इसमें जॉम्बी के साथ साथ पैरासाइट भी क्यों है मुझे वो नहीं पता, बट एक चीज है, यहाँ पे जॉम्बीज और पैरासाइट दोनों मिलके इतने ज्यादा, इतना खतरनाक साउंड। सामने कुछ है, सामने यहाँ पे, कि भाई इतना जल्दी रात कैसे हो गई यहाँ पे। मैं भाई कहीं पे भी नहीं जाने वाला इस रात में, एक काम करता हूँ,
टॉर्चेस किधर है? इसमें टॉर्चेस नहीं मिला मुझे। हाँ ये नहीं 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 भाई, कौन मार रहे है मेरे को भाई? कहीं से भी मार पड़ रहा है यार मुझे तो यहाँ पे। भाई बहुत दर्द है यार, इसमें बहुत दर्द है। रुको 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 भाई, सेफ्टी। ओके ये मर जाएगा क्या? ओके ये मरा, ये नहीं मरा। नहीं मेरा गोली खत्म हो गया, मैं इसको मार भी नहीं सकता। और अभी नीचे पूरा के पूरा एरिया पे जॉम्बीज आ चुके, पूरा चारों तरफ जॉम्बीज है। ओके ये आई थिंक सस्ता है, बट मैं इसको डैमेज भी नहीं दे पा रहा हूँ। तू कहाँ से आ गया भाई? इन पे डैमेज भी नहीं पड़ रहा इन पे तो। भाई ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? मर जा भाई, तू मर जा प्लीज। ओके मर गया। भाई पैरासाइट, ये तो मर जा। ओके तो यार जितने सारे चीजें थे हमने एक एक को मार तो दिया यहाँ पे। वो म्यूटेंट हमें डिस्पॉन हो गया था लकीली। मैं फर्नेस ले जाता हूँ, एक बेड बना। अरे मेरे पास मेरा शॉर्ट भी टूट गया यार। ओह भाई ये जॉम्बी आप लोग के लिए बड़ा ही ज़्यादा हार्ड है। नॉर्मल जो जॉम्बी आप लोग उससे ज़्यादा ये हार्ड है। मैं क्या करूँ अभी? मुझे कहीं ना कहीं से मेरे को निकालना पड़ेगा इस जगह से। अरे सामने पुलिस वाला है। पूरा घर के नीचे देखो, घर के नीचे जॉम्बीज है। मैं इनको नो भाई, म्यूटेंट जॉम्बी भाई मेरे को एक तो इन्फेक्टेड कर दिया मेरे को इन लोगों ने इन्फेक्टेड। अरे यार कोई वेंस है क्या? चलो मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। भाई मेरे पास खाना वाना कुछ नहीं है। निकलो भाई, सिटी से निकलो। भाई निकलो भाई, ये सिटी बहुत खतरनाक है। मेरे लिए ये सिटी सेफ नहीं है गाइस। भाई ये जो सिटी है ना, इसमें भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक काम करता हूँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ पे खाना इकट्ठा करता हूँ, मैं अंडरग्राउंड शिफ्ट हो जाता हूँ। ऊपर सर्वाइव कर पाना तो इम्पॉसिबल है। और अगर मान लो इसमें 100 डेज होने से पहले पैरासाइट के भी अटैक होने वाला है इसमें, यानी भाई वो इंतज़ार है वो दिन का जब पैरासाइट भी यहाँ पे स्पॉन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जो वायरस जैसे जॉम्बी वायरस, वो पैरासाइट में इवॉल्व हो रहा है। अगर वो पैरासाइट में अगर इवॉल्व हो गया, वो जॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा वहाँ पे। नहीं तो भाई जॉम्बी रात को जितना जॉम्बी स्पॉन हो रहा है ना, फिर तो मैं मर ही जाऊँगा। मैं प्रेफर करूँगा फिलहाल डेजर्ट एरिया, क्योंकि डेजर्ट में भी सिटीज़ है। तो अगर मैं डेजर्ट एरिया में क्यों प्रेफर करूँगा, डेजर्ट एरिया से मैं चारों तरफ क्लियर व्यू होता है। हाँ डेजर्ट से चारों तरफ क्लियर व्यू होता है। ओके थैंक यू सर। भाई ढूंढना पड़ेगा जगह, मुझे अभी तक रहने वाला जगह तो नहीं मिला। बट लकी ऊपर क्या है भाई? अभी भी जंप स्पॉन हो रहा है। तो लकीली यहाँ पे मुझे विलेज दिख गया। एंड विलेजर्स क्या करो यहाँ पे? और ये लोग अभी तक इन्फेक्टेड हुए नहीं है विलेजर्स, तो मेरे ख्याल से जगह सेफ होगा। थोड़ा सा खाना वाना इकट्ठा करने के लिए यहाँ से सीट वीट में लेके जाऊँगा। तो मैं पूरा सिटी में घूम डाला, बट मुझे कहीं पे भी घर बनाने लायक जगह नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे ढूंढते पानी के बीचों बीच, यहाँ पे थोड़ा सा पानी एरिया है एंड चारों तरफ एक ही बिल्डिंग है इसमें। तो अरे एक बिल्ड इसमें जॉम्बी, इसमें जॉम्बी मेरे को लग रहा है। तो गाइस घर के नीचे जॉम्बी से कोई बात नहीं, घर के नीचे तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ अभी के लिए। घर का नीचे है, मेरे को क्यों चाहिए? मर जा भाग ऐसे जॉम्बी। ओके तो नीचे एरिया मैंने पूरा सिक्योर कर दिया। अभी नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। तो टॉर्चेस लगाना बाकी एक दो जगह पे, हम टॉर्चेस वर्चेस भी लगा देंगे। चलो पूरा, अरे चलने ऊपर पूरा एरिया पे मैं अभी फिलहाल सेफ्टी डाल दिया है। चलो तो आयरन का सबसे पहले मैं एक हेलमेट बना लेता हूँ जो सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जूता बना लेता हूँ, लेगिंग मैं बाद में बना लूँगा। चलो तो जूता और ये मैं पहले। ओके तो हमारे पास लेगिंग बाकी है, थोड़ा सा हमारे पास आ चुका है आर्मर, जिससे मैं थोड़ा सा जल्दी और। अरे मैंने आयरन को क्यों वेस्ट कर दिया यार? मेरे को कुछ और जॉम्बीज मारना पड़ेंगे यहाँ पे फिर। भाई फिर से जॉम्बी, नो वो देखो गाइस चारों तरफ ही क्या है। तो भाई ये क्या हो रहा है ये सब? ओ नो ये मेरा घर तोड़ने आ रहा है क्या? भाई मैं सो जाता हूँ। मैं नहीं सो सकता। प्लीज भाई भाड़ में जाएं, पहला बेड है, सो जाता हूँ अभी मैं, क्योंकि इसमें जो सीन चल रहा है ना, मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा नहीं तो। ओए ये सब क्या है?
ये तो मर रहे ज़ॉम्बी। अरे भाई पूरा चारों तरफ ज़ॉम्बी जी ज़ॉम्बी आ चुका है। अभी हमको करना पड़ेगा माइनिंग, जिससे हम लोग बना पाएंगे आर्मर, गन्स एंड बाकी के चीजें, क्योंकि माइनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो माइनिंग करना थोड़ा सा टाइम हमको लग जाएगा माइनिंग पे, क्योंकि माइनिंग पे जो रिसोर्सेस वगैरह है ना उसको फार्म करना थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड पड़ जाएगा। अरे मेन वेपन्स यानी गन्स, तो गन के बिना हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक जॉम्बी आए तब तक मेरे को इसमें 100 डेज सर्वाइव करना है, क्योंकि गाइस सर्वाइव करके बिना इस जॉम्बी जो एपोक्लिप्स चल रहा है, पैरासाइट और जॉम्बी का दोनों कॉम्बिनेशन एपोक्लिप्स, इसमें सर्वाइव करना वो भी 100 डेज तक वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो नीचे आयरन के नीचे भी कुछ अलग ही मटेरियल है यार, ये कौन से मटेरियल है? ये हमारा, ये क्या, ये तो कुछ अजीबो गरीब है, पोस्टैश। इससे हम लोग थर्माइट बना सकते हैं। ओके सामान आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सो चेस्ट में यहाँ पे तो मैं देखने के लिए रखूँगा ना, चेस्ट में यहाँ पे बना देता हूँ। रुको रुको, ये एरिया में पूरा क्लीन करने वाला हूँ ना, पूरा हटा दूंगा, तो चेस्ट में फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ। ओके चलो भाई, जितनी सारी चीज़ें हमने माइन किए ना सब इसके अंदर मैं रख देता हूँ अभी के लिए। खाना मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, एंड उससे पहले मेरे को एक काम करना पड़ेगा, खाना उगाने से पहले एक और काम। पहले जो एरिया है ना इसको मैं पूरा का पूरा क्लीन कर लेता हूँ। मैंने ना यहाँ पे एक वर्क बेंच बनाया था, जहाँ पे हमने देखा कि गन्स बनाने के लिए हमको कलर चाहिए, ऑरेंज डाई चाहिए, मतलब एमो बनाने के लिए ऑरेंज डाई यानी नगेट। तो नगेट तो मिल जाएंगे आयरन के बहुत सारे हमारे पास, बट हमको ना यहाँ पे एक सस्ता गन बनाना है। तो यहाँ पे गन है, मिंगॉट से, एंड यहाँ पे हमारे पास आयरन तो है ही है ही, आयरन। खाना, ओके खाना यहाँ पे हमारे पास कुक हो चुका है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी सबसे पहले खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। पोटैटो मैं कैरेट नहीं उगाऊंगा, मैं पोटैटो उगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पोटैटो को कुक कर पाऊँ तो ये अच्छा खासा अमाउंट पे खाना दे सकता है मुझे। तो इसमें मैं, इसमें थोड़ा सा सोलो हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ इसमें स्पीड थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया भाई, इसमें स्पीड बहुत स्लो हो रहा है यार, इसमें स्पीड बहुत स्लो हो रहा है। बट ठीक है, आयरन बहुत ज़्यादा जब को ज़रूरी है, उसमें हमें गॉड भी बढ़िया है। तो चलो फिलहाल मैं थोड़ा सा तैयार हूँ, बट अभी फिलहाल रात हो रहा है ना, मेरे को पूरा एरिया लूटना पड़े। अरे नहीं, यहाँ पे सैंड स्टॉर्म स्टार्ट हो गया फिर से यार, सैंड स्टॉर्म बहुत खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, हम अपना खाने का जुगाड़ करते पहले। तो चलो जॉम्बीज वगैरह इधर है क्या? इधर जॉम्बीज आ चुका है। बटन मेरे को बनाना पड़ेगा, बटन्स, बटन एक ही बटन दे दो मेरे को प्लीज़। चलो यहाँ पे एक बटन मैंने बना दिया, एंड ओके मैं इसको ओके शॉर्ट नहीं बनाया, रुको रुको रुको, मेरे पास अभी कोई शॉर्ट ही नहीं है, मैं शॉर्ट के बिना तो भैया मर जाऊँगा मैं। चलो भाई शॉर्ट के बिना मैं डट का अरे शील्ड ही नहीं है मेरे पास, अरे भैया शील्ड भी बनाना पड़ेगा अभी। अब आयरन शील्ड, ओके चार ही चेजस। चलो तो ये हमारा बन गया आयरन का शील्ड, बूम, बट डट आ जाओ। ओरे भाई साहब, नहीं 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 नहीं, ओके यार ये थोड़ा सा मेरे को, ओके मर जाओ मर जाओ। ए पंछी तुगास आ गया भाई, पैरासाइट पंछी है क्या वो? अरे यार एक एक करके जॉम्बी, एक एक करके डैमेज पड़ रहे हैं इन पे, मेरे को गन ही बनाना पड़ेगा, ये तलवार से इन पे डैमेज नहीं पड़ने वाला। तो मेरे को ओके ओके मर जाओ प्लीज। ओके इसको मैंने मार दिया, इसको मार दिया, चलो इसको मार दिया मैंने। हाँ ये मर गया, बाकी किधर गया? अरे भाई सब नीचे कितने सारे मम्मी भी है। ये देखो पैरासाइट मुझे कैसे देख रहा है गाइस, ये पैरासाइट को अगर मैं नहीं मार रहा ना भाई, यहाँ पे पैरासाइट इवॉल्विंग होना शुरू हो चुका है। मुझे जल्दी जल्दी खुद के लिए वेपन्स वेपन्स सब इकट्ठे करके रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी इस जगह पे। खाना वाना इकट्ठा करना पड़ेगा मेरे को, वेपन्स वगैरह इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो पैरासाइट जो अगर इवॉल्व स्टार्ट होना शुरू हो गया ना, मैं आखिरी दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा इसमें। अरे भाई इसके अंदर मैं फंसे जा रहा हूँ डूड, रुको रुको रुको, ये कौन सा सैंड है? ये है क्विक सैंड भाई, ये बहुत ही बढ़िया होगा मेरे लिए। रुको 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 भाई, ये क्विक सैंड मेरे को चाहिए जिस भी हालत पे होगा मुझे क्विक सैंड चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्विक सैंड चाहिए गाइस, ये बहुत ही खतरनाक सैंड है पता। अरे भाई ये क्या था गाइस, मुझे क्विक सैंड चाहिए जिससे मैं मेरा बेस को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाऊंगे क्विक सैंड से। देखो ये जो बगलिन होता है, बगलिन वो रेपोटोर में स्पॉन होता है, फिर वो किसी ना किसी को कब्जा करता है भाई, जो भी हमको जो भी बग दिखे ना हमको बगलिन वगैरह, उसको फिलहाल मार देने का है, नहीं तो ये लोग प्रजाति में हमको बाद में बहुत दिक्कत देने वाला है।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पेड़ है, ये नॉर्मल पेड़ है इसमें, अच्छी बात है यार, नॉर्मल पेड़ पे जितने भी सारे पेड़ हो जस्ट मिल जाओ यार, थोड़ा सा हमको सैपलिंग वैपलिंग दे दो क्योंकि हमको बहुत सारे चीजें चाहिए लूट इसमें से। ओके ओहो, ये देखो प्रिजनर ज़ॉम्बी, प्रिजनर तुम्हारी भैंस की आग। एक बार गन बना के लेके आओ ना, मैं उसके बाद तुमको मैं दिखाऊंगा, मेरे पास जस्ट एक बार गन आना चाहिए। भाई साहब मेरे को डर लग रहा है, मैं अपने बेस का ये क्या है, ये स्कर्क्रो वहां पे, रुको 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 रुको, स्कर्क्रो इसको मैं लेके जा सकता हूँ क्या बेस पे? अरे ये इसको मैं तोड़, ओके इसको मैं तोड़ नहीं सकता, ओके इसको मैं इसको उठा के ले ही ले जा सकते, बट ये वो है हमारे पास स्कर्क्रो है, स्कर्क्रो। ए मर जा भाई, तू भी मर जाओ, आई थिंक ये लोग रात को स्पॉन होते होंगे, तो मार देता हूँ मैं लकीली। पूरा का पूरा एरिया तबाही मच चुका है इस जगह पे, ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ होगा इस जगह पे, वो जाने वाला है खाने के अलावा। मेरे पास बकेट है, रुको रुको मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल एक बनाना पड़ेगा, जिसके मदद से मैं यहाँ पे हम लोग बना पाएंगे, क्या पता है बकेट बना पाएंगे, तो यहाँ पे दो बकेट बनाऊंगा एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा पानी ले जाऊंगा, पानी इन्फेक्टेड नहीं हुआ ना यहाँ पे, चलो पानी मेरे ख्याल से, अरे डर लग रहा है मेरे को बड़ा ही जगह पे। चलो पानी हमारा यहाँ पे बन चुका है ना, है ना, तो जॉम्बिस देखो, देखा 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 जॉम्बिस यहाँ पे भी चिल्लाना शुरू कर देगा इस भाई साहब। पोटैटो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, इस जहाँ पे हमारे पास क्राइसिस चल रही है, क्राइसिस में हम लोग सिर्फ पोटैटो ही उगा के खा सकते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पौष्टिक, अरे पौष्टिक भी क्या होता है, मतलब सबसे ईजी तरीके से हम इसको उगा के ईजिली फिट कर सकते हैं खुद को। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा, भाई देखो जॉम्बीज जॉम्बीज पूरा चारों तरफ यार, ये मेरा ना हालत खराब कर रहा है अभी, वो देखो जॉम्बीज, मुझे पूरा एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा, नहीं इसमें टेरेट तो नहीं है, बट मुझे एक चीज फार्म करने का पड़ेगा फिर, वो क्विक सैंड, अगर मेरे पास क्विक सैंड आ गया ना तो मैं इजिली इनको मेरा घर के आजू बाजू आने से मैं रोक पाऊंगा। मैं कौन बात कर रहे हैं गिरी में, ये भागो भाई तुम यहाँ से, पूरा चार होता है यार, मेरे को गन ही बनाना पड़ेगा पहले। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इनको रहने देता हूँ, ये उगते उगते ना एक काम करते हैं, हम गन के लिए जो सामान चाहिए ना एक नॉर्मल बेसिक गन बनाते हैं पहले, हम इतना खतरनाक चीज़ें, ये जो गन है ना ये भी बहुत बढ़िया है, तो पहले हमें बजूका है ये, ओके ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा बनाओ, समझ नहीं आ रहा है। चलो सबसे पहले अभी हम लोग थोड़ा गन बना लेते हैं, सॉरी गन तो हमने बना लिया, हमको थोड़ा गोली भी बनाना पड़ेगा, चलो फटाफट करके हम बनाते हैं हमारा गोली, आ जाओ गोली बना पाऊंगा मैं। ओए भाई बहुत सारे में, ओके मेरे पास अभी भी दो गन पाउडर बाकी है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा बाद में काम आ जाएगा, गन पाउडर और भी है क्या, आई थिंक और भी होना चाहिए गन पाउडर। इसको बनाने के लिए लाइट एंड ऑरेंज, ये हमको पहले हमको एक कलर्स ढूंढना पड़ेंगे। खाना इम्पोर्टेंट है, खाना मेरे पास इनाफ है क्या, रुको मेरे पास कुछ और भी खाना लेने दो, जिससे मैं बाकी का चीज़ें भी इकट्ठा कर पाऊँ, इसके अंदर क्या क्या और पिघला सकता हूँ मैं। मेरे ख्याल से मैं पहले बेस प्रोटेक्ट करना चाहूँगा, आ जाओ भैया, गन भी आ चुके हैं मेरे पास, अभी थोड़ा सा ऑल भी वॉल बना लेता हूँ, 32 16, तो 16 से ओके थोड़ा सा और दे दो, चलो तो इतना से आई थिंक मेरा जो ऑल प्रोटेक्ट करना है ना बेस को चारों तरफ, ये प्रोटेक्ट भाई, डराओ मत यार, ठीक है डराओ मत यार कोई भी, क्योंकि कभी कभी एक दो जॉम्बीज होते हैं वो जंप करके भी इस पार आ जाते हैं, वो मैं नहीं चाहता, तो इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे अपना फुल प्रोटेक्शन डाल दिया। चलो हमने यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन हमारा डाल दिया यहाँ पे, यहाँ से ना जॉम्बी आने का कोई चांस नहीं है, ये जो जगह है ना यहाँ पे सिर्फ जॉम्बी स्पॉन, ओए ये भाई 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 भाई, भाई मेरा गन मेरा गन मेरा गन दे दो, ओके भाई इजीली मर गया ये तो भाई, गन ओपी है, ओके भाई और कहीं पे जॉम्बी जॉम्बी, इसको मैं मार सकता हूँ ना, ओके चलो इसको भी मैं मार दिया है। भाई वो क्या है पता नहीं, कहीं इंटरेस्टेड केव है क्या वो, मैं भाई कोई केव वेव में नहीं जाना चाहता, और यहाँ पे पूरा खुला एरिया है, और थोड़ा सा जॉम्बी स्पॉन होना कम हो जाएगा फिलहाल के लिए। यार यहाँ पे ना रात पे ही रात होते जाता है, मैंने घर के ऊपर कोई टॉर्चेस ही नहीं लगाया मैंने, अरे यार मैं बाद में लगाता हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे जॉम्बी स्पॉन हो रहा है, क्योंकि मैं नीचे टॉर्चेस, ओके तो इस, अरे भाई साहब वो देखो सामने भाई, रात होते दुनिया भर के चीजें स्पॉन हो जाते हैं, इसने इतने दूर से कैसे देख लिया मुझे, ओ नहीं 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 भाई ये लोग इतना दूर से कैसे देख लेता है भाई, दुनिया के उस पार, ओ नो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, जॉम्बी फिर भी पानी में, ओ नो भाई क्रीपर म्यूटेंट क्रीप, भाई ये क्या मजाक है, हमने पूरा चारों तरफ प्रोटेक्ट किया, वहाँ पे जॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहे,
बट स्टिल जहाँ पे मैंने सोचा कि पानी के पास जॉम्बीज नहीं आ सकते, तो ये मेरा गलत सोच था कि ये क्या हो रहा है, पैरासाइट के साथ फाइट हो रहा है क्या यहाँ पे? जो पानी भाई मुझे पूरा चारों तरफ कवर करना पड़ेगा, मैं गलत था कि इस बार पानी के पास नहीं आएगा। ये गन बहुत बेकार है यार, ये गन बहुत बेकार है। ओके लो भैया गोली खत्म हो गई। मेरे घर के ऊपर जो स्पॉन हो रहा है, मेरे घर के ऊपर जो स्पॉन हो रहा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार गन है ये, बहुत बेकार गन है, ये बहुत बेकार गन है यार ये। ओ नो, भाई ये क्या हो रहा है? ओ नो 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 नो, भाई ये बहुत गलत सीन हो रहा है। नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, भाई ये बहुत गलत हो रही है भाई। ये सिर्फ रात है ना, ब्लड मून है। अगर ये इतना रात में इतना खतरनाक चीजें आ रहे तो सोचो ब्लड मून में क्या होगा। ओ नो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज चल रही है यहाँ पे। मुझे कुछ टॉर्च दे दो, क्योंकि टॉर्च के अलावा मैं अपना ऊपर टॉर्च नहीं लगा पाऊँगा, प्लीज़। ओके ऊपर चलो भाई, मुझे ऊपर के एरिया को सिक्योर करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता। ये क्या, अरे अरे ये क्या है भाई? पैरासाइट वाला मॉन्स्टर ने स्टार्ट हो गया, पैरासाइट वाला मॉन्स्टर ने स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये क्या हो रहा है यार यहाँ पे? ओ नो भाई, हमको कुछ भी, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। मैं पूरा यहाँ पे टॉर्चेस लगा दिया पूरा चारों तरफ कि जॉम्बीज बिल्कुल भी स्पॉन ना हो इस जगह पे। ओ माय गॉड, ये गन बहुत बेकार है भाई। नीचे तो देखो भाई, ये भाई ये क्या हो रहा है यार भाई? ऐसे तो मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा इसमें। ओ माय गॉड भाई, ये बहुत हार्ड होने वाला है, ये बहुत हार्ड होने वाला है। मैं भी सो भी नहीं सकता, मैं अभी नीचे चलो, मैं भी अंडरग्राउंड शिफ्ट हो जाता हूँ। बहुत सारे चीज़ें हो गया, मैं भी अंडरग्राउंड शिफ्ट हो जाता हूँ। भाई साउंड तो सुनो भाई, नहीं होगा यार मेरे से, नहीं होगा, मैं ऐसे कैसे सर्वाइव करूँगा इसमें। मर जा मैं मारने का ट्राई कर रहा हूँ, भाई पीछे से कोई आके मेरे को मार। ओ नो रिमेंबर, क्या रिमेंबर यार, मर जा प्लीज। ओके ये भाई तुम मत आना, भाई तुम मत आ जाना। ए मर गया, मर गया, मर गया, मर गया क्या? लोग नहीं मरा अभी तक। ओके मर गया, मर गया, मर गया भाई, गोली नहीं है मेरे पास, फिर से जिंदा हो गया। गोली खत्म, गोली खत्म होने वाला मेरा भाई, मर जा मेरे भाई प्लीज। बोलो भाई कहाँ ज़ॉम्बी भाई, क्या हो रहा है यार यहाँ पे? ओ नो भाई, ज़ॉम्बी जमीन के अंदर से, यार जमीन के अंदर से ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नंगा पोंगा हूँ, मैं कैसे मारूं इनको भाई? घर के अंदर ना आ जाए लोग, घर के अंदर ना आ जाए चलो, घर के अंदर ना आ जाए। गन पाउडर किधर है, गन पाउडर किधर है, गन पाउडर नगट। ओह नो ये लोग घर के अंदर ना आ जाए भाई, क्या चल रहा है यार यहाँ पे भाई? जितना ज्यादा हो सके मेरे को गोली दे दो। चलो 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 ऊपर चलो, ऊपर चलो, मैं तो भाई इसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे को, मैंने अभी तक आधा चीज़ें कंप्लीट नहीं करना भाई, मेरे को सबसे पहले अपना बेस को ठीक करना पड़ेगा। मर जा, पहले मेरे को न्यूट्रिएंट जंप करना पड़ेगा यहाँ पे। पैरासाइट है क्या वो? नहीं नहीं पैरासाइट नहीं, पैरासाइट नहीं, वो पैरासाइट नहीं है। मर जा यार। ओके ये मर गया, मर गया। आई मीन का जो मिनियंस है ना, इनको मैं मार देता हूँ। मर जा प्लीज भाई, रात होने से पहले मेरा बेस को मेरे को ठीक करना पड़ेगा। वो देखो पैरासाइट, वो देखना पैरासाइट है,
पैरासाइट को मारने दे दो उसको। भाई पैरासाइट ही पैरासाइट यार इस जगह पे, भाई पैरासाइट इवॉल्व होने नहीं दे सकता मैं, पैरासाइट इवॉल्व होने नहीं दे सकता मैं यहाँ पे। पैरासाइट्स को मारो, मार दिया मैंने फाइनली, मार दिया मैंने फाइनली। ये पैरासाइट ही है ना, ये पैरासाइट ही है ना यहाँ पे। ओह नो भाई क्या चल रहा है यार इस जगह पे। चलो मैंने इसको मार दिया। ओ भाई साहब ये क्या चल रहा है गाइस। मेरे को मिला ओके, मेरे को 11 डैमेज ब्लैक एक्स मिला है। अरे भाई एक मेरे को हल्क है। ओके मेरे को सबसे पहले अपना घर को ठीक करना पड़ेगा। ये लोग इस जगह से आ रहे थे कहीं से भाई, अभी भी स्टिल ज़ॉम्बीज है। नहीं 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 अभी इनको इग्नोर करो, अभी इनको इग्नोर करो यार, मेरे को अपना काम धंधा करने दो। ये सब हो गया ना, बहुत हो गया, गोली भी ख़त्म होने को आया है यहाँ पे। मैं अपना जगह पहले यहाँ पे सेट करता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे बचने नहीं वाला। यहाँ पे जितनी सारे चीज़ें स्पॉन हो रहा है ना, इसमें इम्पॉसिबल है सर्वाइव कर पाना। ओ भाई साहब इनको मारो यार, ये सब जगह को मेरे पूरा टॉर्च लगा के प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा। भाई चलो अब ख़त्म, चलो बढ़िया फटाफट करके मैं जगह को पहले मैं पूरा का पूरा चारों तरफ फेंस वगैरह गेट लगा देता हूँ। यही होना बाकी था, यहाँ पे म्यूटेंट क्रीपर फुट के पूरा घर आधा तोड़ दिया इसने। अरे यार एक तो मैं जगह ठीक नहीं कर पा रहा, ये लोग घर तोड़े जा रहे हैं। लो भैया अभी मेरे को फटाफट के इस घर को रिपेयर करना पड़ेगा अभी। भाई एक तो मैं ऐसे सर्वाइव नहीं कर पा रहा, म्यूटेंट क्रीपर आके मेरा घर फोड़ दिया इसने यार। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे भाई? ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा ये वाला गेम मेरे साथ? ओ माय गॉड इसमें बहुत सारे दिक्कत होने वाला है मेरे साथ, एक एक करके बहुत दिक्कतें आने वाला है इसमें, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। यहाँ पे आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो यानी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हम लोग इतना दिन पार कर चुके हैं ना इसमें अभी, तो जितना दिन हम पार करेंगे धीरे धीरे पैरासाइट के तादाद बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाया बहुत सारा, बट स्टिल ये काम नहीं कर रहे। एंड पैरासाइट धीरे धीरे इतना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है ना, बोलो सामने पैरासाइट स्पॉन हो रहे थे यहाँ पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पैरासाइट देखा, देखो यहाँ पे फटा पड़ा है यहाँ पे पैरासाइट। भाई जो पैरासाइट फटे पड़ा है ना, वो पैरासाइट क्या करता है, जो इनका जो रिमेन्स होते हैं वो चारों तरफ इन्फेक्ट करते हैं पूरा जॉम्बीज को। तो जॉम्बीज जो नॉर्मल जॉम्बीज होते हैं वो भी इन्फेक्ट होकर पैरासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है सबसे मुश्किल एरिया, एंड मैं वही डर रहा वो पैरासाइट स्पॉन न होना ना शुरू हो जाए। देखो पहले से मेरा बेस में भी जॉम्बीज कम आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था भाई, जो मैं पीछे पीछे मत आओ ठीक है। देखो जॉम्बीज फिर से आपसे शुरू हो गया यार, ये होता है सबसे बड़ी वाला। वो देखो जो, अरे भाई साहब क्या ही चल रहा है यार, यार फ्लावर कलेक्ट कर। अरे यार ये जंगली वाला इंसान कहाँ पे आ गया यार? इनका अभी भी सर्वाइबिलिटी है क्या इसमें यार? ये लोग अभी भी जिंदा कैसे जॉम्बी एपोकलिप्स में यार? ये लोग अरे बढ़िया लोग है यार ये लोग। ओ भाई ये लोग कैसे स्पॉन हो सकते हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में? मतलब ये लोग कैसे सर्वाइव करके रखे लोगों ने? कैसे इनको ज़ॉम्बी वगैरह मारता नहीं है क्या इनको? भाई क्या बात है यार। वो ये देखो देखो पैरासाइट 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 ये देखो पैरासाइट। भाई ये इवॉल्व होता है तो ये सबको अगर आंखों में हमको दिखे तो हम किसको मारना ही सही रहेगा। यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो चुका है यहाँ पे येलो एंड ओके यहाँ पे येलो वगैरह फ्लावर मेरे को दिख रहे हैं फ्लावर्स ओके सामने साइड मेरे को जंगल दिख रहा है थोड़ा सा, मैं जाना चाहूँगा वो जंगल की तरफ। ज़ॉम्बी ओके इसको मैंने उड़ा दिया ज़ॉम्बीज को। येलो फ्लावर है, ये येलो है ना? हाँ ये सन फ्लावर है, ये ब्लू है ना? ये प्लीज़ ये लाइट ग्रे ब्लू होगा ना? हाँ ये ब्लू है, ये वाला मेरे को चाहिए भाई, ये दे दो प्लीज़ ये दे दो। नाइस थैंक यू सो मच। हाँ ये, हाँ ये ग्रे है। चलो ये वाला हमको मिल चुका है, ब्लू भी मिल चुका है जो कि मैं बोन मिल से चेंज करवा सकता हूँ। कितने सारे रैबिट्स हैं देखो, ऑक्सीडाइज कितने ऑक्सीडाइज है यहाँ पे। ओ नो 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 ये कौन सा प्रजाति का ज़ॉम्बीज़ है यार? ये तो मैंने मार दिया इसको, मेरा गोली खत्म
चलो इससे भी लूट मिल गया मेरे को कुछ। यार इसमें सर्वाइव कर पाना तो इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को धीरे धीरे करके, जितना भी मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। पैरासाइट नहीं नहीं भाई, यार बेस के पास पैरासाइट आना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हो पैरासाइट्स? वो देखो पैरासाइट्स। ओह नो, इसको मारो इसको मारो इसको जिंदा भाई। ओके ओके चलो ये मर गया। मैं बेस के पास पैरासाइट बनाना स्टार्ट हो चुका है अभी। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम बनाएंगे 30-30 रिपीटर, जो कि ऑन मतलब मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट वेपन है फॉर मी। एंड दूसरा वो है R30 ऑन करवाइन। तो ये है सबसे बेस्ट दोनों वेपन। इसके अलावा मेरे को अभी अभी मेरे पास इसका थोड़ा सा गोली बाकी है। ये काम करता हूँ, एक सेकेंड, मेरे को सॉर्ड आई थिंक नहीं चाहिए मेरे को, या मैं साइड में रख देता हूँ। ये है गन, ये गन मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एंड इसको यहाँ पे रखो। एंड हल्क हैमर ज़रूरी नहीं है, इसको मैं मेरे पास रख देता हूँ। तो अभी भी हमको बहुत सारे काम करना बाकी है गाइस। जैसे कि अभी हमको चाहिए होगा क्विक सैंड, जिससे मेरे को मेरा जो बेस है ना उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे बेस में कहीं से भी कैसे भी अटैक होते जा रहे होते जा रहे, हम कोई भी तरीके से बेस का अटैक रोक नहीं पा रहे। तो मेरे को बेस को और भी ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा जब तक हमारे पैरासाइट इवॉल्व होके। गाइस पैरासाइट 60 डेज 70 डेज से इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद पैरासाइट ही पैरासाइट दिखेंगे हर जगह पे। उससे पहले मेरे को बेस को पूरा एरिया में प्रोटेक्ट करना है जैसे भी हो जाए। ओके तो मेनली हमको क्विक सैंड चाहिए होगा। तो क्विक सैंड में मेरे पास कितने क्विक सैंड्स है? मेरे पास फिलहाल के लिए क्विक सैंड किधर गया गाइस? हमारे पास 11 क्विक सैंड है। तो मेन जहाँ पे हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के साइड में हमको क्विक सैंड लगाना है पूरा चारों तरफ। मैं थोड़ा सा दूर दूर लगाऊंगा, बॉर्डर के सामने साइड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मैं कुछ देख लूंगा, जुगाड़ कर लूंगा। ओके चलो, तो सबसे पहले अभी मेरे को कुछ ओके वे नहीं भाई, ये का मजाक यार भाई, ये लॉन्ट इसने बहुत गंदा मारा मेरे को भाई साहब। ओके पूरे भाई मैं 1 HP मारा इसको, मतलब थोड़ा सा HP बच गया था मेरा भाई। यार ये म्यूटेंट वाले स्पॉन होना शुरू हो गया तो फिर तो मेरा हालत खराब हो जाएंगे। तो यहाँ से हड्डी वड्डी मिल रहा है मेरे को, मैं उठा लेता हूँ जो भी मिल रहा है। इससे मैं बोन मिल बना सकता हूँ जो मेरे लिए बहुत ही पंछी भाई, पंछी मंछी मत डराओ यार ठीक है। अरे भाई सभी हार्ड कोर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इस हार्ड कोर में यार। ओके तो यहाँ पे एक पंछी है। एंड रुक जा भाई, किधर गया पंछी तू? ओके ये जो पंछी है ना ये बहुत बेकार है, चलो इसको मैंने हटा दिया है। तो क्विक सैंड मेरे को लग रहा है गाइस क्विक सैंड मिल चुका है। हाँ थोड़ा सा मिला, कितना मिला होगा एक बार माइन करके पता चलेगा भाई इसमें कितना सारा क्विक सैंड है। अगर लकीली मैं माइन कर सकता तो भाई ये बहुत ही दर्दनाक है ठीक है। तो ओके भाई ये कौन सा ऑयल है ये रुको, ये कहे क्या चीज़? मेरे पास वाटर बकेट है। अरे मेरा वाटर बकेट गया। ये हमारा टार, ये टार है, टार का क्या होता है पता नहीं यार, बट मेरे को सबसे पहले जो नीचे नीडेड है ना मैं यही लेके जाऊंगा हमारे पास। ये देखो गाइस यार मैं ना क्विक सैंड फार्म करके घर आ ही रहा था, तो यहाँ पे मैंने कुछ और चीज देखा, तो ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे ये अजीबोगरीब पेड़ उगने लग गया ठीक है। ये भाई ये ऑटोमेटिकली पेड़ उगे जा रहे हैं कहीं ना कहीं से, इस साइड में कुछ नहीं उग रहा है ये भाई। मेरे को लग रहा है ना वो धीरे धीरे सब जगह पे इवॉल्व हो रहा है पैरासाइट, तो मेरे को इतना उन पर ध्यान नहीं देना अभी अपने बेस के ऊपर सिक्योर करने, क्योंकि अगर मेरा बेस बन गया ना ठीक से भाई कोई भी आ जाए मैं मतलब मुझे मार ही नहीं सकता कोई, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। ओके ये एक जॉम्बी छुपा हुआ था उसको मैंने मार दिया। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे पूरा एरिया पे चीज़ें चल रहे हैं, अगर मैं जाके देखता हूँ क्या वहाँ पे क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। चलो आपको जाके देख के आते हैं। औच ओके एक बार जाके देख के आता हूँ मैं भाई। ये सब ऊक ऑटोमेटिक ऊक रहे, अरे वो क्या है भाई साहब, पूरा एरिया देखो पूरा एरिया, ये भाई घर के ऊपर भी उग चुका है यार यहाँ पे। एक सेकेंड मेरे को घर चेक करने तक बार। अरे भाई साहब भाई चारों तरफ सैपलिंग लगे पड़े यहाँ पे। हटाओ हटाओ भाई ये सैपलिंग्स हटाओ, ये भाई ये जगह इन्फेस्टेड हो रहा है यार फेको सैपलिंग्स। देखते यहाँ पे भाई निकल जाओ, पहले ही निकल जाओ सबसे बढ़िया होगा। अरे अबे ये कौन है, अबे ये कौन आ गया,
अरे भाई ये कौन है? अरे मैं जस्ट अभी से व्हाट भाई, इसने पूरा घर तोड़ दिया। ओह नो भाई, इसने पूरा घर तोड़ दिया मेरा। अरे हे कौन, अरे भाई इसने पूरा घर तोड़ दिया मेरा। इसने भाई पैरासाइट ना स्टार्ट हो चुका है, पैरासाइट ना स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे और एक था ना, ये रहा। ओके चलो इसको मैंने मार दिया और इसने मैंने पूरा हेड मारा, देखो पूरा आर्मर गया मेरा ब्रो। पैरासाइट्स गाइस, पैरासाइट ना स्टार्ट। ओके चलो नीचे चलो भाई, बहुत हो गया भाई, आर्मर बनाना पड़ेगा मेरे को। मैं इसमें बनाऊंगा कैसे, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ जब बेस्टिक। भाई मर जा मर जा मर जा। अरे ये सब कहाँ से आ रहे हैं मेरे घर के ऊपर? अरे कहाँ से आ रहे हो भाई तुम लोग घर के ऊपर? भाई देखो पैरासाइट्स भाई, क्या ही खतरनाक भाई, सीधा वो बंदा आ गया मेरे पैरासाइट वाला। ये कुछ दिनों के बाद से तो मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ऐसा फील आ रहा है यार, मैं इसको बचूंगा कैसे अभी? एक काम कर देता हूँ, पानी लेके मैं बेस के चारों तरफ पानी ही डाल देता हूँ, वो मेरे बेस में आजू बाजू आ ही नहीं पाएंगे। ये क्या मिला भाई, कैसा ची भाई, सब क्या क्या मिल रहा है? अरे ये लोग कहाँ से आ गए? अरे भाई तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अरे पैरासाइट से, देखो पैरासाइट भाई, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्विक सैंड भी, ये देखो क्विक सैंड में मरा, ये क्विक सैंड में मरा। यहाँ पे क्विक सैंड काम कर रहे हैं बट मेरे को ऑल के उस पार लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऑल के उस पार लगाऊंगा ना फिर ही मैं इनको मार पाऊंगा, बट मैंने जितने सारे क्विक सैंड थे सब मैंने इस पार लगा दिए। मेरे को इस पार लगाना पड़ेगा अभी, मेरे पास थोड़ा सा और बचा है। क्विक सैंड में लेके आके पूरा चारों तरफ लगा देता हूँ, वॉल के चारों तरफ, और पानी दे दूंगा मैं चारों कोने पे। भाई देखो पैरासाइट, देखो। अरे भाई वाची, ये विलेजर कहाँ पे, विलेजर्स आ रहे लोग भाई? वो देखो भाई, भाई विलेजर पास में मत आओ भाई, अभी अभी बेस का आजू बाजू कोई भी नहीं आना चाहिए। वो देखो आप लोग देख रहे हो ना, वो देखो चारों तरफ पैरासाइट्स के वो पड़े हैं, चारों तरफ पैरासाइट्स के वो पड़े हैं। ये भाई इनको भाई हटा दो, पहले तोड़ के फेंक दो इनको, हो सकता हूँ। ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो, सब ब्रिज के ऊपर खड़े है भाई। पैरासाइट्स देखो, पैरासाइट्स देखो, भर भर के पैरासाइट्स आ रहे ऊपर। और मेरा गोली खत्म, मेरे पास सिर्फ, तो ये जो जगह है ना यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पानी, तो इससे क्या होगा कि जितने सारे कोने पे आने की कोशिश कर, अरे यार ये कोना भी, तो इस कोने से सब लोग चले जाएंगे उस पार। वो साइड तो ठीक हो गया, बट इस साइड में मैं क्या करूँगा, इस साइड में तो आने का चांस बहुत कम है। मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा तो ओके, एक काम करता हूँ, मैं कोने कोने पे ना ये सैंड्स लगा लेता हूँ। मैं थोड़ा सा और सैंड मेरे को फार्म करना पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं यार, हम लोग फार्म कर लेंगे। ये बेस के चारों तरफ था पहले ही, तो मैं वही लगा देता हूँ भाई फिर से। बेस में लगा दो भाई प्लीज़, आज तो भैया अपने बेस को सेटअप ही करना है, ठीक ही करना है बेस को। अरे यार मेरा सबल तो टूट गया था यार। अरे लो, मैं अभी मेरा सत्यानाश होने वाला है ठीक है इसमें। प्लीज़ प्लीज़ बाहर निकल जाओ। निकल गया मैं। तो काम करता हूँ मैं फटाफट करके, जितना सैंड में थोड़ा सा सैंड इकट्ठा करता हूँ क्विक सैंड, और मैं चारों तरफ लगाने की कोशिश करता हूँ सैंड। एंड यहाँ पे कैक्टस भी है तो मैं कैक्टस भी प्लेस, रुको एक काम कर। अरे जल्दी जल्दी, अरे भाई क्विक सैंड क्विक सैंड, मर गया अब, और मर गया इसमें। ओके ओ बच गए। जो भी है, बहुत टाइम से मेहनत करने के बाद हमने फाइनली देखो कैक्टस, हम लोगों ने आजू बाजू से ज़्यादा, तो देखो आजू बाजू में ज़्यादा से कैक्टस हमको ज़्यादा इनफ नहीं मिला, बट रात होने से पहले हम लोग जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी ये जो जगह है ना इसको हमने पूरा कैक्टस से भर दिया। यस मुझे पता है, ओ व्हाट भाई स्पॉन तो देखो उनके, व्हाट इंस्टेंटली भाई, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी जस्ट आप लोगों ने अभी देखा ना यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये ब्लड मून है क्या? ये ब्लड मून भी नहीं है
वो देखो ये ब्लड मून भी नहीं है। ओ माय गॉड गाइस, मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में पड़ने वाले, बट हमारे जो ट्रैप्स है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे गाइस फार्म बनाए थे हम, जहाँ से कैक्टस उगो के मैं लगा रहा था। एंड ये देखो, तो पानी के साइड में मैं ये लगा नहीं पाया, ये सब क्विक सैंड, बट स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे जो पानी की वजह से इस साइड से तो लोग आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वो फूटा था तो पानी उनको धक्का दे रहे पीछे की तरफ। ए भाई, यहाँ पे क्विक सैंड लगाना भूल गया मैं। अरे ये देखो, ये देखो, सब के सब जम्मे नीचे गिरे पड़े, सब के सब जम्मे नीचे गिरे पड़े यहाँ पे, ये लोग इससे ऊपर कहीं भी आ नहीं सकते, ठीक है। एंड मुझे पता है मेरे पास देखो इनफ नहीं था क्विक सैंड, तो मैंने एक एक ही ब्लॉक लगा पाया, जिसके वजह से इनके पास डैमेज इनको ज़्यादा पड़ेगा नहीं, फिर भी ठीक ठाक है। आ जाओ, मर जाओ तुम लोग। देखो गाइस, अच्छे कैसे लोग मर तो रहा है, इनको डैमेज नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये लोग एक ब्लॉक नीचे ही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके इनको मार देते। चलो भाई बढ़िया तरीके से, हमारे पास इनफ नहीं है, नहीं तो मैं इसको पूरा एफिशिएंट तरीके से बना पाता। ए ए ए ए भाई, नहीं 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 नहीं, अरे मैं ही फंस गया मेरे ट्रैप में भाई, जॉम्बी आने से पहले भाई, अरे भाई साहब, अरे भाई 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 भाई, जॉम्बी आने से पहले भाई भागो यहाँ से। एंड बूम, ओके चलो भाई साहब, मैं मरने वाला था अभी यहाँ पे। ये क्या भाई, ये पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुके लोग, पैरासाइट इन्फेक्टेड है। ओ माय गॉड गाइस, वो देखो सामने स्पॉन, देखो इनके स्पॉन देखो। ओ नो, ओ भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा बेस परफेक्ट नहीं है गाइस। भाई नीचे चलो भाई, ये इम्पॉसिबल है, मैं इसमें सर्वाइव कैसे करूँगा भाई। अभी तक यहाँ पे ये लोग आके फंस रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सीधा क्विक सैंड लगा दूंगा। एंड इस जगह पे मेरे को दोनों साइड से आ रहे हैं, तो मेरे को ये स्टेनेबल तो नहीं लग रहा है भाई। ये देखो यहाँ पे जॉम्बीज देखो, ओ माय गॉड भाई, लूट देखो यहाँ पे, भाई ये जो लूट दे रहे हैं, ये लूट से तो भाई मैं अमीर बन जाऊंगा यहाँ पे, बट मेरे को इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा ये जगह, नहीं तो मैं इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। जीवो करीब पंछी देख रहे हो आप लोग, पैरासाइट वाला पंछी है क्या ये भाई, ये दूर रहो भैया, हमारे से दूर रहो यहाँ पे, ठीक है। रेवन, ओके ये तो कौवा है ना, रेवन को, कौवा ही को रेवन बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, हाँ वही है कौवा। ये क्या है, रुको ये भाई, ये क्या सामने, ये सामने क्या चीज़ है, ये क्या है यार, ये सब क्या चीज़ स्पॉन हो रहा है यहाँ पे भाई, पूरा जगह को इन लोगों ने इन्फेस्टेड बना दिया इस जगह को। ए रुको 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 गाइस, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये पैरासाइट के बीकन है गाइस, रुको रुको, ये पैरासाइट के बीकन से, एक सेकेंड मैं इसको, अरे और ये भाई यहाँ पे, ओके ये इसको मैं, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये जो चीज़ है ना, ये पैरासाइट बीकन से, इससे, ओ माय गॉड, सामने बड़ा, अरे रुको रुको रुको, यहाँ पे एक बड़ा वाला पैरासाइट बीकन है यहाँ पे, इसको तोड़ो। ओके इसको मैंने फोड़ दिया भाई, यहाँ पे क्या ही चल रहा है यहाँ पे, पूरा गाइस पूरा जगह इन्फेक्टेड होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी यार, इसमें ये पैरासाइट्स है ना, ये रुप्टर, ये भाई तू मर जा यार, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे, पैरासाइट्स इसके, इनके नीचे हाइब है इसके, भाई मेरे को अंदर नहीं जाना, मेरे को लग रहा है इसमें हाइब्स है इनके। चलो तो यहाँ पे थोड़ा हमको क्विक सैंड मिल तो गया यार, बट मुझे बहुत टाइम से ढूंढना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, यू फील लाइक यू हैव बीन वॉच, बी केयरफुल, मुझे कोई देख रहा है, हेलो प्लीज यार मत देखो कोई यार, मुझे कोई क्यों देखेगा, ये क्या हो रहा है, व्हाट गाइस, ये क्या हो रहा है, हेलो गेम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दिन दहाड़ है भाई साहब, ये क्या चल रहा है दिन दहाड़े है गाइस, रुको रुको रुको, यहाँ पे सामने क्या चल रहा है दिन दहाड़े, क्या बिजली कड़क रहे यहाँ पे, ओ माय गॉड
ये क्या हो रहा है यहाँ पे यार, मेरे को वो क्या है? ओ शीश शीश, नो नो ओ नो ओ नो 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 नो, पैरासाइट हम लोग, पैरासाइट कम लोग गाइस, पैरासाइट कम लोग गया, पैरासाइट कम लोग गया, पैरासाइट कम लोग गया, पैरासाइट कम लोग गया। पैरासाइट कम लोग गया, वाओ बहुत बढ़िया, पैरासाइट इवॉल्व होना शुरू हो चुका है, पैरासाइट इवॉल्व होना शुरू हो चुका है। मैं तो गया, मैं तो गया, मैं तो गया, मैं इस बार, इस बार हो गया मेरा, मेरा काम खत्म इस बार गाइस, मैं तो इस बार गया भाई। जैसे भी मेरे को अपने घर में पहुंचने दो, मैं कभी और वापस नहीं आऊँगा गाइस, मैं अपने बेस को ओ भाई ये क्या था यार, ओ नो, यहाँ पे ना बहुत हो चुका है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे अपना बेस को आइसोलेट करना पड़ेगा पूरे दुनिया से। तो बेस को आइसोलेट करने के लिए एक अच्छा उपाय है, जितने सारे बैरियर्स चीज़ें यहाँ पे हैं उसको मुझे पूरा कवर करना पड़ेगा। एक तो मैं माइनिंग जा सकता हूँ, एक तो मैं वुड यूज़ कर सकता हूँ। माइनिंग वुड एक ही चीज़ है यार, तो मैं सोचूंगा वुड इकट्ठा करना सबसे यूजफुल तरीका रहेगा। वुड मैं यहाँ से इकट्ठा करता हूँ, तो मुझे अभी चारों तरफ मेरे को नहीं, वुड से इकट्ठा क्या होगा यार, मैं जाता हूँ स्टोनी लाने, क्योंकि स्टोनी सबसे बेस्ट चीज़ होगा मेरे लिए। अभी नहीं सर, मैंने आयरन लेके आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं पिकैक्स वगैरह बना लूँगा अगर मेरा पिकैक्स टूट जाए तो। तो मुझे अपने बेस को सिक्योरेट करना है जितने जल्दी हो सके। मेरे पास लावा भी नहीं है, बट पानी है, बट पानी से जितना मेरे को पता है पानी से कोई भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो पानी को टपक के इस पर आ जाते हैं। अभी एक दिक्कत और हुआ है, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर हर जगह पे इन्फेस्ट मतलब पैरासाइट इवॉल्व होना शुरू हो चुका है। अगर मैं बाहर गया तो मैं 100% में मर जाऊंगा, तो मैं वो नहीं चाहता कि खाली फुकट के अपना जान में दे दूं अभी के लिए। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके खुद को सेफ्टी में रख के हम काम, जितना जल्दी ये पैरासाइट इवॉल्व हो रहा है उतना जल्दी हमको खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तैयारी करने के लिए मैंने इस जगह पर कुछ अलग ही प्लान बना के रखा है, आप लोग यहाँ पर मेरे को दिखाऊँगा। सो ओए ओके, तो ये देखो, तो यहाँ पे मैं ऐसा डिज़ाइन करके रखा हूँ कि यहाँ पे हम लोग दो दो सैंड ब्लॉक्स लगाएंगे, ठीक है, और जिसके वजह से जॉम्बी भी नहीं आ रहे ना, तो अगर जॉम्बी आए तो एलेक्स सीधा इसमें गिरे और सपोकेट होके मर जाए। लेकिन पैरासाइट का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि पैरासाइट बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड आई डोंट नो मैं उनको कैसे मैं उनसे मैं बचाऊँगा मेरे खुद को, उसके अंदर मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इतना आइडिया कि मैं इनको ऐसे बचा सकता हूँ जॉम्बी के हाथ से। ओके तो यहाँ पे मैंने पूरा चारों तरफ लगा दिए, और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा नहीं है क्विक सैंड, में सच्ची बताऊँ तो मेरे पास ज़्यादा क्विक सैंड है नहीं, तो मैं रिक्स नहीं लेना नहीं चाहता वहाँ पे जाके भी। और मैंने यहाँ पे ना ये आयरन का बार लगाने का ट्राई कर रहा था, आयरन का बार अगर मैं पूरा देखो मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि जब ये जो साइड है ना यहाँ पे जॉम्बी आना इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने क्विक सैंड यहाँ पे भी थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा करके लगा दिया है, तो ये जो जगह है ना यहाँ पे जॉम्बी नहीं आ पाएगी इस साइड पर, मेरे को इतना भरोसा है। बट सामने साइड बहुत ज़्यादा अनसिक्योर है मेरा, तो सामने साइड पर मेरे सबसे पहले ध्यान देना। ये हमारा आखिरी एंड ख़त्म, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा चारों तरफ से आयरन बार्स लगा दिया घर में भी, एंड अरे रुको रुको यहाँ पे थोड़ा सा लगाना बाकी आयरन बार्स, एंड बूम, तो फाइनली पूरा, अरे नहीं यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है, यानी मेरे पास जितने सारे आयरन बार्स थे सब खत्म। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है, मैंने ऐसे ही रखा है, एंड मैंने पूरा चारों तरफ बार इसको घेर दिया है। मैं खुद भी बाहर नहीं जा सकता, एंड मैं किसी को अंदर भी नहीं मार सकता, आई थिंक नहीं मार सकता ना इससे, हाँ नहीं मार सकता, तो ये फिर भी ठीक है। जॉम्बी जब तक तोड़ के अंदर ना आए, मैं खुद का ऊपर में घर के ऊपर से तो मार ही सकता हूँ मेरे ख्याल से। नीचे गाइस कुछ भी नहीं रखा है मैंने, नीचे बेड है, खाना है, यानी सर्वाइव करने के लिए सामान नीचे भी है मेरे पास। तो ओके ओके, हाँ यहाँ से मैं अपने आप को बचा तो सकता हूँ यार गाइस। चलो ये बढ़िया तरीके से हुआ, ये एक काम करते हैं, अभी हम लोग गन बन का गोली वोली बना के रखते थोड़ा सा, एंड रात होने वाला है तो भाई मुझे नहीं पता इसमें होगा क्या, बट हमको इसमें पैरासाइट आएंगे, इवॉल्व होंगे धीरे धीरे, लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व ऑलरेडी हो चुके, तो इसमें भाई मुझे नहीं पता यार। ब्लड मून 100 डेज में ही, आखिरी 100 डेज का 100 डेज में आएगा ब्लड मून, अगर हम वो ब्लड मून सर्वाइव कर लिए यानी हम बच गए
और इसमें दो तरीके का सर्वाइव हम कर सकते हैं, एक तो अपने जा लगा के सर्वाइव कर सकते, एक तो मैं चुप छाप करके भाग के अंडरग्राउंड में बैठे रह सकते हैं। उसको सर्वाइव नहीं करते हैं, उसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। ओके ये सब रख दो, अभी मैं डायमंड का सामान पहन लेता तो जिससे मेरे को थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा नॉर्मल चीज़ों से। और एक चीज़, डायमंड से अच्छा खासा चीज़ें भी बनता है मेरे को जितना पता है। ओके यहाँ पे हमको मिलता है डायमंड ग्लव्स, तो ये भी एक चीज़ है जिसके मदद से गाइस हमारा जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस साइड में हमारा पेड़, इस साइड में पेड़ उग रहा था, इस साइड में भी पेड़ उगना शुरू हो चुका है। यहाँ पे वो देखा आप लोगों ने, इस साइड में पेड़ उगना शुरू हो चुका है इस साइड पे। तो ज़ॉम्बीज आए थे जो मैंने मारा, एंड उसके बाद ये देखो, ये देखा आप लोगों ने इस जगह पे पूरा जगह तबाह हो चुका है। इस जगह पे देख रहे हो पूरा जगह तबाह हो चुका है। अरे भाई साहब, यार इस साइड में तो कुछ नहीं है, बस पूरा जगह पे इन्फेस्टेड सामान ही सामान भरे पड़े यार यहाँ पे। ओ माय गॉड भाई, ये बहुत हार्ड होने वाला है। मेरे को लग रहा है कि बेस को और भी ठीक। अरे भाई ये पूरा एरिया तबाह हो चुका है यार इस साइड में, मेरे को जाना नहीं चाहिए बट फिर भी भाई। ये देखो हर जगह से टूटा फूटा है, देखो ये देखो, दिख रहा है पूरा इन्फेक्टेड चारों तरफ में पैरासाइट्स। मेरे ख्याल से ना मुझे वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, मैं तैयारी करता हूँ। ओके तो मेरे पास ऑब्सीडियन था, लूट बैग था, तो इस लूट बैग के अंदर, अरे खुल जा भाई। ओके इसके अंदर मेरे को चार ऑब्सीडियन मिला, और ओके यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्सीडियन पड़ा हुआ था तो ये बढ़िया। बाकी ये खोलने का जरूर, इसमें क्या है, इसमें वही एडवांस स्माइट। अरे भैया ये इसमें एडवांस स्माइट मतलब क्या होता है पता नहीं गाइस, कुछ तो खास होगा बट ये मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये सब पाइक वाइक की ज़रूरत नहीं, अभी मैं बना सकता हूँ। अरे ऑरेंज डाई, ये कौन सा डाई, मेरे पास थोड़े से ऑरेंज डाई था तो सही यार। हाँ ये रहे रहा, मिल के चलो, तो ये हमारा बन गया है। रुको भाई, इसको मैं कलर करूँगा, वाइट कलर कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। चलो तो ये बन गया हमारा स्नाइपर, जिससे मैं दूर बैठे बैठे बंदे को ईजिली मार पाऊँगा, पैरासाइट हो, ज़ॉम्बीज हो, कुछ भी हो। अरे भैया फेंक दो यार आधा सामान तो। चलो तो मेरे ख्याल से ये क्रेवर मेरे लिए ऑर्थिट होगा, जिससे मैं ओके ओए वो देखो भाई, और एक पेड़ उग चुके वहाँ पे यार। अभी ना भाई ज़ॉम्बी आना स्टार्ट हो चुका है, मैं क्रेवर का जो गोली है ना वो वेस्ट नहीं करना चाहता। पूरा चारों तरफ ये पेड़ उग चुका है। अभी गाइस वही टाइम आ चुका है जिस टाइम का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनको ऐसा फील आ रहा है क्योंकि पैरासाइट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू हो चुका है। मैं अभी बाहर जाने के लिए, मेरे को फटे जा रहे हैं, मैं बाहर जाऊंगा नहीं, जो भी हो जाए। मैं अपने जो जो सिक्योरिटी हम लोगों ने बेस में ऐड किया, अभी हम लोग को छोटा सा चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो बेस है सिक्योरिटी वो कैसा काम कर रहा है। ठीक है तो यहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे रात हो चुका है, वो देखो इन्वेस्टर पंछी आना शुरू हो चुका है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो भाई यार ये गेम, अरे वो देखो होटल, वो देखो भाई जमीन के अंदर से निकल रहे लोग, क्योंकि इसके बाद ही आने वाला है क्या पता है। अगर ये जो हम लोगों ने सिक्योरिटी लगाई ये कामयाब आ जाए तो नेक्स्ट हमारा ब्लड मून आने वाला है, यानी आखिरी दिन। देखते उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतने दिनों तक ज़्यादा कुछ उखाड़ पाया नहीं इसमें, क्योंकि ज़ॉम्बी इतना ज़्यादा हॉस्टाइल है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव है ज़ॉम्बी एंड पैरासाइट्स। तो मैं अपने जान बचा के भागा, मैं बाहर एक्सप्लोर करने जा। ओ माय गॉड मैंने ब्रिज का तो कुछ सोचा ही नहीं है, ब्रिज से क्या होगा। आप लोग खुद सोचो कि अगर मैं यस सही बात है, अभी हमको बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा करना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लड मून आ रहे हैं, अगर हम वो 100 डेज में सर्वाइव कर पाए तो हमारा 100 डेज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो समझ लो हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। नेक्स्ट 100 डेज मतलब नेक्स्ट ब्लड मून ही हमारा परीक्षा लेगा कि हम इसमें जीते हैं नहीं जीते, क्योंकि हम मुझसे इस इतना खतरनाक हार्डेस्ट ज़ॉम्बी सिटी में मुझसे जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा कर पाए मैं, क्योंकि इसमें हर जगह से पैरासाइट्स निकल रहे थे। पैरासाइट के वजह से मैं कहीं पे एक्सप्लोर करने लूट करने में नहीं जा पाया। वो क्या चीज़ है, कहीं पे मैं लूट करने नहीं जा पाया क्योंकि हर जगह से पैरासाइट्स ही दिख रहे थे मेरे को। मैं अपना जान कितने बार बचा के भागा हूँ तो वो सोच लो यार, वो मेरे पर दया करो थोड़ा सा। बाकी ज़ॉम्बीज को ऑटोमेटिक ज़ॉम्बीज मर जाएंगे यहाँ पे। ये हेलो, वो लोग अपने खाना इकट्ठा करने के लिए ज़ॉम्बीज को ही अटैक करते हैं, उनको अपने में तब्दील करते हैं, यानी उनको पैरासाइट्स इन्फेक्ट करते हैं, आधा आधा खाते हैं। तो मेन बात है कि ना पैरासाइट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्डर होते हैं वहाँ पे स्पन होते हैं, यानी
ब्लड मून के टाइम पे मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं यार, मैं पूरा तैयार तो हूँ, सब कुछ बना बुना के मैं रेडी हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना सकता। और इसमें इतना खास कुछ नहीं है, सिर्फ आर्मर सी है, बट डायमंड आर्मर सबसे ज़्यादा पावरफुल है नॉर्मल आर्मर से ना। मैं और एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारा ब्लड मून आने का बहुत ही क्लोज है, ब्लड मून आने का, उससे पहले मेरे पास एक और आइडिया है। अगर मैं जितने सारे देखो इस साइड से बहुत सारे चीज़ें आ रहा था, तो मेरे पास एक आइडिया, अगर मैं क्यों ना, अरे यार पहले, अरे चल ओके तो नो, ये हो गया भैया बर्बाद वाले काम, हम हमारा ट्रैप पे खुशी फंस गए। चल भाई प्लीज़ ओके तो अभी हमको करना क्या, तो गाइस सबसे पहले जितने सारे कैक्टस हो सके ना, ये हमको कैक्टस फार्म करना है। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये हम लोग हमने घर के अंदर रखे कैक्टस, तो अगर मैं कैक्टस फार्म करके चारों तरफ लगा दूँ तो क्या होगा, आप पहले वो बताओ। अगर मैं कैक्टस ऐसे फार्म करके मैं चारों तरफ लगा दूँ बाहर, आप लोग जो बाहर के सैंड एरिया देख पा रहे हो ना, इस साइड से भी जॉम्बीज आ रहे थे बहुत सारे, तो मैं सोच रहा था कि कैक्टस में वहीं पे क्यों ना लगा दूँ थोड़ा सा, और मतलब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना टरेट ना कुछ है, मतलब जितना कुछ हो सके मैं यहाँ पे कर दिया। लावा वगैरह हमको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिला, लावास वगैरह, तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि मैं इसको काट के सक। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बजूका भी बना लिया था, हमारा बजूका, सो एक बार ट्राई करके देखो क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं। एंड बूम, यार ये बढ़िया चीज़ है। चलो तो सबसे पहले फटाफट करके हम लोग थोड़ा कैक्टस फार्म करते हैं, एंड ये पूरा चारों तरफ हम लगा देते हैं कैक्टस, देखते हैं कितना जल्दी हम लोग कुछ उखाड़ पाएंगे। मुझे पता है गाइस ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, स्टिल फिर भी जितना सेफ्टी हम लोग लेके आ पे उतना सेफ्टी हमको इम्पोर्टेंट है, तो हाँ क्यों नहीं यार। बस लगाते लगाते हमने थोड़ा सा तो गड़बड़ कर दिया, उसके साथ फील आ रहा है, तो मेरे पास ज़्यादा कैक्टस सीड्स नहीं है, नॉर्मल कैक्टस थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास, तो मैं सोचा नॉर्मल कैक्टस जहाँ तक हो सके मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा और भी कैक्टस बाकी है, कैक्टस सीड्स, तो मैं जितना दूर तक हो सके मैं उतना दूर तक कैक्टस लगा देता हूँ। यार मुझे नहीं पता कब तक ये उगेगा, या क्योंकि रात होने ही वाला है। और ये कौन है, हेलो क्या हाल चाल है आपके जॉम्बी, हमसे पंगा लोगे तुम भाई, कभी नहीं मार जीत पाओगे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे, अरे भाई शिप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ओके तो गाइस रात होने वाला है, इसमें अभी होने वाला है ब्लड मून, तो इससे अच्छा मैं घर ही चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई बिना कुछ करके हम ओके लो हम खुद के ट्रैप में खुद ही फंस के हर बार मरने का ट्राई करते हैं हम लोग। ओके वो नहीं, इसको फिक्स करना पड़ेगा मेरे को यार, ऐसे करेंगे तो फिर मैं मर जाऊँगा खुद ही। चलो तो वो अरे ओके तो यहाँ पे मैं आ तो चुका हूँ, बट अरे मैं ऊपर कैसे जाऊँगा अभी, अरे रुको ऊपर भाई ब्लड मून आने वाला है, यार जल्दी निकलो। अरे ब्रो ऊपर कैसे जाना है ऐसे, अरे मैं फंस गया खुद ही, ओ शीश ओके चलो इसको फोड़ो इसको फोड़ो, चलो इसको मैंने फोड़ दिया है, चलो भाई ऊपर, अरे ऊपर चल, और यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा चारों तरफ लगा दिया है। अभी आप लोग देख पा रहे हो सूरज ढल रहा है, और यहाँ से हमारा मून ऊपर देखो ऑलरेडी फॉगी हो गया, देखा आप लोगों ने ऑलरेडी ये फॉगी ओ देखो अभी देखना ये पूरा का पूरा ब्लड मून स्टार्ट हो चुका है। अभी इस रात अगर हम लोग सर्वाइव कर पाए, यानी हम लोग 100 डेज कंप्लीट कर लिए, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे ज़िंदगी में। तो ब्लड मून कहाँ पे, ओके तो ब्लड मून भाई मेरे को एक तो डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी दुनिया भर के जो अम्बिज स्पन होने वाले ब्लड मून पे ही, ये ब्लड मून है ना, अगर नहीं हो तो मेरे लिए बहुत ही लकी बात है। ओके भाई ब्लड मून मेरे को अभी तक तो मून मेरे को दिख भी नहीं रहा, इतना फॉगी, वो देखो ए भाई तुम लोग कहाँ से आ गए यार, भाई मेरे को तो मून दिख भी नहीं रहा यहाँ पे, बट यहाँ पे ओके ये उड़ भी पाते जॉम्बिस, अरे अरे भाई ये क्या था, हाँ ये ब्लड मून है गाइस, पूरा लाल हो गया, देखा ना पूरा लाल हो गया मौसम लाल हो गया, वो देखो ब्लड मून धीरे दिख रहा है मेरे को, फॉगिनेस हट रहा है वहाँ पे, बिजली कड़कने यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ऊपर म्यूटेंट जॉम्बी आना स्टार्ट हो चुका है, ऊपर से चारों तरफ से भी मॉन्स्टर्स आए जा रहे हैं, वो देखो पैरासाइट आना स्टार्ट हो चुका है, वो क्या चीज़ है भाई, ओए
ये भाई, ये भाई कितना ज्यादा बिजली कड़क रहा है यार। देख रहे, देख सकते हो, वो देखो हर जगह पे पैरासाइट्स, हर जगह पे पैरासाइट आना स्टार्ट हो चुका अभी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो देखो वो देखो वो देखो यार, क्या क्या हम बच पाएंगे अंदर? अरे घर में भी आके लोग, ए भाई मैं दुनिया भर के पैरासाइट्स, मैं सेफ हूँ क्या घर में? नहीं मैं सेफ नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ। गाइस ये थोड़ा सा भयानक चीज था, हम यहाँ पे मर गए। तो हम यहाँ पे पैरासाइट में सरवाइव नहीं कर पाए, हम यहाँ पे आके मर गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें देख लेते, इसमें यहाँ पे स्पॉन क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे हमारे स्पॉन हुए थे, मेरा गेम भाई इधर जा ही नहीं सकते, मेरा गेम चिपक रहा है। मैं वापस नहीं जा सकता, वापस बहुत से पैरासाइट स्पॉन हुए, मेरे को पता चल गया अभी। सो चलिए गाइस, मेरे को लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा कोशिश किया, बट पैरासाइट्स घर के अंदर आके मुझे मार दिया, तो मैं यहाँ पे भूत बन चुका हूँ। सो गाइस सॉरी, लिटरली यार इसमें 100 days सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि पैरासाइट्स ने घर के अंदर स्पॉन होके मेरे को पूरा मार डाला, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सॉरी गाइस, हम लोग इसमें 100 days सर्वाइव नहीं कर पाए, बट हमको बहुत मजा आया। ऊपर देखो पैरासाइट का पूरा दुकान है, ये लोग घर भर जॉम्बीज मार रहे, देखो ये लोग पैरासाइट बना रहे, जितने सारे जॉम्बीज है देखो, हॉर्डर देखा जॉम्बी के, देखो सब जॉम्बी को लोगों ने पैरासाइट में कॉन्वर्ट कर दिया। देखा, होपफुली ये जो जॉम्बी आपके लिए सबको मजा आया होगा, मुझे तो मजा बिल्कुल आया, खेल के बहुत मजा आया, बट मैं मर गया आखिर में। तो कोई बात नहीं गाइस, चलिए बाय बाय, टाटा सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट रूम में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट पे बताइएगा भाई सबको नेक्स्ट 100 days देखना क्या। ओके तो चलिए गाइस, बाय बाय, टाटा सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।